आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खबर रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर प्रशासन का निर्दयी चेहरा सामने आया है। दरअसल तालाब की मेड पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे प्रशासन ने हटा दिया। प्रशासन के द्वारा शासकीय भूमि खाली कराई गई, यह जायज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कई वर्षों से अतिक्रमण कर रहे लोग किसकी छत्रछाया में पल रहे थे? आखिर उन्हें प्रधानमंत्री आवास किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? क्या गरीबों की गलती थी कि उन्हें आवास मिला और उन्हें पक्के आवास बनाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे? अतिक्रमण हटाया जाना ही था तो एक माह और टाल दिया जाता, तो प्रशासन का क्या उजड़ जाता? कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बीच एक दर्जन घरों को उजाड़ दिया गया, जिसके चलते पूरी रात कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बीच परिवार के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खुले में रात बिताई। पीड़ितों ने बताया कि उनका सामान नष्ट कर दिया गया, उन्हें मौका तक नहीं दिया गया कि वे अपनी गृहस्थी बचा ले। अब वह चाहते हैं कि उन्हें स्थायी पट्टा और पुनः आवास दिया जाए। दरअसल पूरा मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के शाव गांव का है, जहां के लोगों ने तालाब पर अपना आशियाना बनाया, लेकिन उन्हें उजाड़ दिया गया। आइए दिखाते हैं मौके का हाल और सुनाते हैं उजाड़े गए लोगों ने क्या कहा है। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन साकेत है। हाँ, ये कैसे क्या हुआ कल यहाँ पर? कल अधिकारी लोग आए थे, SDM, हाँ, और कलेक्टर साहब, अपर कलेक्टर थे भी, तहसीलदार भी आए थे, तहसीलदार भी थे, सरपंच भी थे, अच्छा, और आपके पटवारी भी थे, सेक्रेटरी भी तो थे। कल घर आपका गिरा दिए? जी बिल्कुल बिल्कुल गिरा दिए, आके सीधा सीधा गिरा दिए। नुकसान हुआ आपका क्या? नुकसान हुआ है कुछ, कुछ अंदर सामान पड़ा था। दो गाड़ी पुलिस भी ले आई थी। अच्छा, दो गाड़ी पुलिस। आपका ये मकान कब से बना है आवास का? ये आवास कब बना था? 2018 में बना। अच्छा, और अभी बना है तो ये कितने लोगों का आवास यहाँ बना था? यहाँ बना था 4 लोग थे। अच्छा, हम लोग यहाँ पुस्तैनी निवासी थे। अच्छा, हम लोग के पास जमीन नहीं थी। अच्छा, इसलिए सरपंच साहब ने यहाँ बना दिया। अच्छा, आज सरकार आई तो हम लोग का बेघर कर दिया। अच्छा, अब कल से हम लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ, सरकार जब से आके गिरा के चली गई है तब से कोई ध्यान नहीं। आप लोगों को कुछ नुकसान भी हुआ है? जैसे टीवी वगैरह कुछ भी? हाँ, थोड़ा टीवी भी नुकसान हो गया है। अच्छा, तो ये मकान आपके इधर है ना? ये देखिए कितना बुरा हाल हुआ है। अच्छा, देखिए कितना बुरा नुकसान। देखिए खेलती खाती जिंदगी को ऐसे बर्बाद किए हैं। कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था, गुहार मार मार रो रहे थे। खेती खाती जिंदगी, सब सामान भी दाब दे वही घर। अच्छा, आप लोग आज रात को कहाँ थे? यहीं बाहर पड़े थे। बताइए आप लोग कहाँ थे आज रात को? आज बारिश भी हुई है क्या? आप लोग कुछ समस्या हुई है क्या आप लोगों को? खाना पीना आपको मिला क्या? नहीं मिला। ऐसे ही बारिश में भीगते रहे आप लोग? बकरी छरिया गाय भैंस सब ऐसे। आपको काफी नुकसान हुआ? अरे कुछ नुकसान रहने के लिए आप लेकिन इसके अलावा और कहीं जमीन है क्या आपके पास? कहीं नहीं है। अब आपकी मांग क्या है सरकार से? हमको मांग यह है कहीं सरकारी जमीन हो, रोड की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, रोड हो, लाइट हो, सब चीज। जैसा कि ये आपका आवास नुकसान हुआ तो ये चाहते हैं कि आपको आवास सरकार दे, बिजली, हैंडपम्प, ये सुविधा आप चाहते हैं? चलिए ठीक है, तो हम इसके लिए सरकार से आपका न्यूज पहुंचाएंगे। हाँ, कि आवास का घर भी बना था, तब भी नहीं माने कि हमारा घर आवास का भी गिरा दिया। चलिए आपका देखते हैं कि आप लोग कहाँ रात में थे। देखिए वाह, सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288
5600 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।